भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख के लिए जो अयोध्या तैयार किया जा रहा है उनके ऊपर क्या जिम्मेवारियां और वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने में और लोगों को जो अयोध्या देखना है 22 तारीख का जलवा उसके लिए कितना तैयार हैं। आप क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है संगठन का, तो आप 22 तारीख के लिए कैसे अयोध्या को देखते हैं? देखिए, हम लोग को कुछ स्पेशल ऐसे ट्रस्ट की तरफ से कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है, लेकिन क्योंकि हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, सभी लोग राम भक्त हैं, राम की 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो हम सभी लोग उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और किसी न किसी तरीके से अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। उसी के लिए आज हम लोग की यात्रा निकली थी, 3 किलोमीटर के लगभग की यात्रा थी और हम सभी लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उस दिन जितने भी हमारे अतिथि आए, हम सभी यह कोशिश करेंगे कि उस दिन हम सब लोग यह प्रयास ना करें कि हम उस दिन ही दर्शन कर लें, हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, उनके उनकी सुविधा में, उनके सम्मान में कहीं कोई कमी ना रह जाए, हम सब इसी का प्रयास कर रहे हैं। जो विपक्षी पार्टी है वो इस समय अगर राम मंदिर का निमंत्रण बनता है कि आइए हम एक साथ मिल करके राम मंदिर का जो है उद्घाटन करें और दुनिया को दिखाएं कि हाँ ये भारत है और हमारी संस्कृति है, लेकिन कई बार सुनने को आता है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने मना कर दिया आने के लिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो मना करते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है, हम सभी लोग, ये उनका दुर्भाग्य है भैया, अगर वो राम मंदिर के इस निमंत्रण को ठुकरा रहे तो ये उनका दुर्भाग्य है। और हिंदू है वो, अगर हिंदू है प्रभु को लेकर चल रहे तो उनको निमंत्रण में आना चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो उनका दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं यह वोट की राजनीति से प्रेरित है, तुष्टिकरण से प्रेरित है, उनको यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो वो मंदिर की स्थापना में आ जाए, राम मंदिर के की प्राण प्रतिष्ठा में आ जाए तो उनको उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो डगमगा जाएगा, यह एक बहुत बड़ा डर है इसी के कारण मुझे लगता है। और लगता क्या है, आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए, जिसको भी निमंत्रण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, घर घर अक्षत पे दिया जा रहा है कि आप सब लोग निमंत्रण आपको मिल रहा है, और जिनको भी दिया जा रहा है उनको आना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं, हमारे एक नहीं है, केवल अयोध्या वासी भाजपा के नहीं है, राम हमारे सबके हैं। जैसे कि सबरी का झूठा फल खाया उन्होंने अयोध्या को तारा, तो हम ये कहेंगे हमारे प्रभु श्री राम से अगर हमारे आराध्य हैं उनसे ही सीखना चाहिए हम भक्तों को कि हम सबको उन्होंने लेके चला है और हम लोग सबको लेके चलना चाह रहे हैं। जय श्री राम। आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आ गया है, राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है, कैसे कह रहे हैं राम राज्य। लेकिन राम राज्य में तो कोई हताश और निराश नहीं था, हम जब शूट कर रहे थे तो यहाँ पे दुकानदार जिनका दुकान तोड़ा गया है वो खुद नाराज थे और बहुत सारी चीजें हमको बताई है। नहीं नहीं ऐसा कुछ है, जो दुकानदार सभी बहुत खुश हैं, हाँ ये है कि कुछ असुविधाएं, जो सरकारी अधिपत्य उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेरा खुद का घर गया है राम पथ पर, ऐसा नहीं है, मैं राम भगवान के लेकर पूरा घर भी चला जाता तो भी हम निछावर कर देते। और रही बात जो दुकानदार है या कोई भी है, अगर वो चिल्ला रहे मुआवजा नहीं मिल रहा है तो आप सरकारी आधिपत्य है, आरती लेकर थाली नहीं सजाएंगे आपके लिए, वो सरकारी है तो सरकारी है, संपदा है, सरकार ने अपनी 22 तारीख दीपोत्सव के लिए कितना तैयार है आप? अब ये तो कल्पना नहीं बता सकते, क्योंकि 14 वर्षों बाद राम आए थे, प्रभु श्री राम हमारे आए थे तो उनके लिए दीपावली मनी थी, अब सोचिए 500 साल वर्षों बाद ये सपना पूरा हुआ है, सारा इंतजार पूरा हुआ है, तो सोचिए क्या होगा, आई डोंट नो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। इतना जान के रखिए कि एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है जो मुझे लग रहा है सालों सालों युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपसे एक प्रश्न और भी पूछूंगा, वो ये कि जब हम अंदर गए थे तो बहुत लोगों का ये भी मानना है कि राम मंदिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट कर लेते फिर उद्घाटन करते, जिम्मेवारी जब है ही तो फिर जल्दीबाजी क्यों? ये पहले ही निर्धारित हो गया था कि जैसे ही प्रथम तल तैयार होगा राम जी को वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत साल, लगभग 5 साल आप लोग बता रहे हैं कि 500 सालों से वो उनको प्रॉपर स्थान नहीं मिला है, जो उनका सम्मान होना चाहिए था वो नहीं मिला है, तो अगर हमारा प्रथम तल जो है तैयार हो गया है उनके स्वागत के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो उसमें देर करने की कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये पहले ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, ये उस लिए अगर हमारे हिंदुओं में एकता हो जाए ना, पाकिस्तान में भी मंदिर बना देंगे। पूरे विश्व
खुशियों में राम मंदिर के लिए हर जगह अक्षत फूल कलश यात्रा हर जगह निकाली जा रही है। 18 तारीख को हम बहुत बड़ी दुर्दरिया हो रही है, महिलाओं के प्रति बहुत उत्साह है। हम हर घर में सुंदर कांड कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दिया जलाने के लिए हर घर को प्रेरित कर रहे हैं। हर घर में रियल में दिवाली मनाई जाएगी। बस इतना मान के चलिए कि 22 तारीख जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और पूरा विश्व इस दिन दिवाली मनाएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सब लोग मिलकर देखेंगे ये चीज। 22 तारीख को लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप लोग तैयार हैं? 22 तारीख के बाद जब एक हुजूम लोग दर्शन करने के लिए आएंगे तो देखिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि कैसे हमारे अतिथि जो आएंगे उनको रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, अगर कहीं कोई किसी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और हम सभी लोग उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। सुन लीजिएगा। हाँ जी बच्चा बताओ। कहाँ गई थी बेटा? गाओ गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ जो राम को लाए हैं। चलो गाओ। राम को लाए हैं हम उनको लाए बोल हम उनको लाए बोलो जय श्री राम जय श्री राम। आपने भगवा धारण कर रखा है जी। जो राम विरोधी लोग थे क्योंकि इतने सालों का संघर्ष अब आपका पूरा हुआ है, उनसे क्या कहेंगे आप? कोई विरोधी नहीं था, लोगों की अपनी सोच थी। सरस्वती जी के डिमांड में जैसे दिमाग में बैठ जाए, बाकी सब राम के हैं और राम को सब पूजते हैं। हम उनको विरोधी नहीं मानते हैं, उनका उस समय हो सकता मन बदला रहा हो, अब सबका मन चेंज हुआ है और सब राम के हैं, सब राम के बच्चे हैं और सब राम सेवा के लिए लगे हुए हैं। ये भीड़ ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा राम की सेवा में है, कि किस तरीके से किस भाव से हम राम का सेवा करें ये हर कोई सोच रहा है, इसलिए हम उनको विरोधी नहीं करते हैं। वो कहते ना देर आए दुरुस्त आए, वो भी आ गए हमारे यहाँ तो हम उनका भी स्वागत। एक समय था जब अयोध्या राम मंदिर के लिए गोलियां चलती थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, रथ यात्रा से जो गिरफ्तार कर लिया गया वहाँ पे रथ यात्रा रुकवा दी गई, लेकिन अब जब राम मंदिर बन गया है तो हिंदू क्या सोचता है? वो राजनीति थी और यहाँ का जन जन ये सोचता है कि राम का हम कैसे स्वागत करें। अभी जब मैं आ रही थी तो हमने दो शब्द बनाया हुआ है, ना मैं गायिका हूँ ना कुछ हूँ। मिथिला वाले गाते हैं कि आजू मिथिला नगरिया निहार सकिया, लेकिन हम लोग क्या गा रहे हैं? आज अवध नगरिया निहार सकिया हो निहार सकिया, गली गली में है आए राजा राम सकिया, गली गली में ही आए राजा राम सकिया, गुंगर गुंगर बाल उनके कटले नजरिया, गुंगर गुंगर बाल उनके कटले नजरिया, गली गली देखे नरे नारी इनकी चाल सकिया, आज अवध नगरिया निहार सकिया। ये अयोध्या वासी इस तरीके से राम का स्वागत कर रहे हैं और हम सब भी राम का स्वागत उसी उससे कर रहे हैं कि अगर आज के दिन किसी को ये कहे कि आप अपनी जान दे दो तो हर व्यक्ति ये तैयार है और पूरा विश्व राम का स्वागत कर रहा है। तो हम विरोधियों को भी नमन कर रहे हैं कि वो अगर ऐसे ना चिल्लाते तो हमें और जोश कैसे आता। एक सवाल और पूछूंगा, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक दायित्व भी है मीडिया से है, कि कहते हैं कि राम जो थे वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे, है ना, सबको खुश रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जब किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है तो फिर लोग हताश निराश और घर से कहाँ रहेंगे, ये सब बातें जब उठती है तो उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ बुलडोजर चला भैया, यूपी में चल जाता है। यूपी में देखिए जो जो जिस प्रवृत्ति का है, हाँ, अब यहाँ आपने आपको वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने बताया ना हमारा दायित्व है तो हमें पूछना पड़ेगा क्योंकि आप जहाँ मिलेंगे वहीं सारी बातें करनी पड़ेगी हमें। तो जहाँ नजूले की जमीन है वहाँ पे जो है बुलडोजर चल रहा है और बाबा को बिना नजूले जमीन का नहीं काम नहीं है। आज के कार्यक्रम को हम लोग फोकस करेंगे, आज जो हमारा उद्देश्य है उस पे फोकस करेंगे। चलिए ठीक है। क्यों विरोध
राजपूत पे जाएं और क्यों बुलडोजर पे जाएं, क्योंकि मैं डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका हूँ और ये जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को सोमवार के दिन इसी का जो ये उत्सव मन रहा है महीनों से उसी का आज ये क्रम है जिसमें आप विशाल मातृशक्ति को देख रहे हैं यहाँ पे और ये मातृशक्ति संदेश दे रही है, ये पूरे विश्व में ये संदेश जा रहा है कि ये जो राम का चरित्र है विराट चरित्र है ये एक अलौकिक चरित्र है, इसको हम लोग मतलब धारण करें, इसका अनुसरण करें और राम जो है कहते हैं ना मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। तो आज दिन है राममय हो जाने का, राम के आदर्शों को समझने का सोचने का, पूरा विश्व में जितने हिंदुस्तानी हैं आज ये गर्व का दिन है, ये 500 साल की जो तपस्या है ना आज पूरी हुई है और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम लोग आपके सामने हैं और आप हमारे सामने हैं और अयोध्या नगरी में हैं। तो विरोध देखिए क्रिया प्रतिक्रिया विकास को ले जाती है, ये एक फिलॉसफी का नियम है, तो विरोध करने दीजिए, एक स्वस्थ विरोध बोलेगा लोकतंत्र जो है बोलता है। हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए है कि हम जो मंदिर हो रहा है उसके स्वागत में कि हम लोग कितने खुश हैं, यहाँ जो मातृशक्ति हैं वो एक तरह से अपने भगवान का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई हैं। और रही बात विरोधियों की, तो विरोधी तो है ही राममय, लेकिन वो अपने राजनीति के चलते वो ये सब चीज़ें नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु राम तो सबके भगवान हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। कैमरा पर्सन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद।